हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल अप के चैनल पर। तो टेक्निकल अप आपके लिए लेकर आए एक और न्यू वीडियो। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने आपने जो वीडियो का टाइटल है, थंबनेल है, देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के हम वीडियो अपने शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जो मोबाइल्स के टेम्पलेट होते हैं ना, जो से कोई भी आपका नया मॉडल आता है मोबाइल का, तो उसका टेम्पलेट, जो टेम्पर्ड ग्लास का टेम्पलेट हो गया, या बैक का हो गया, या फिर आपका कैमरा लेंस का हो गया, उसका टेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं, तो आज मैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ विदाउट फ़ोन के। ठीक है ना, किसी के पास अगर आपके पास ये मॉडल नहीं है, जैसे कि जो हम आप बनाएंगे, तो जो भी कोई नया मॉडल आता है मोबाइल का, वो आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उसका टेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं वो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो वो भी परफेक्ट बनाएंगे, ना बिना किसी स्केल के, ना किसी रूलर के। तो आपको मैं बताता हूँ, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम कोरल ड्रॉ हमने चालू कर रखा है, इसको हमने ले रखा था वैसे ही, इसको हम डिलीट कर देंगे पहले, कोई और मॉडल ले लेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमने एक सबसे पहले एक मोबाइल का मॉडल ले लेना है। तो जैसे कि कोई एक नया मोबाइल का ले लेते हैं। एक वेबसाइट होती है जिस पे आपकी क्वालिटी, फ़ोटो की जो क्वालिटी होती है ना, वो फ्रंट और बैक की एकदम क्लियर आती है। तो वो वाली फ़ोटो लेनी है, ताकि हमको सीधी भी आए और सीधी आए, और लेकिन हम उसका टेम्पलेट जो है बना सके आसानी से, कोई दिक्कत ना आए। तो वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट का नाम है GSM अरीना, जो हम सर्च मारते हैं तो ये हमारी खुल गई, ओपन हो गई है। तो इसमें हम ले लेते हैं कोई भी एक नया मॉडल ले लेते हैं, जैसे कि हालांकि अभी मैं आया था, नथिंग ले लेते हैं। नथिंग का फिर भी दे रखा है, जैसे कि हम नथिंग सर्च मारते हैं, पिक्चर्स सर्च, पिक्चर्स पे जाते हैं। तो पिक्चर्स में आप जाओगे तो ये देखो, काफ़ी क्वालिटी जो है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी दिखाती है। मतलब कि एक वाइट में हो गया, ब्लैक में हो गया, वो आपको दोनों में दिखा रहा है। ठीक है ना, आपके ऊपर है कि कौन सा लेना चाहते हो। तो मैं वाइट ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, नो सिंपल सा मैंने कॉपी ही किया, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया। तो जैसे कि आ गया, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, मतलब कि रिजोल्यूशन फटे नहीं, पिक्सल्स फटे नहीं, अगर जूम इन करूँगा तो फटेंगे। तो हमें नॉर्मल चाहिए, जो हमारे लिए काफ़ी है। अब चलिए, पहले हम अपना जो है बैक का नहीं, फ्रंट का बनाएंगे, फिर उसके बाद बैक का बनाएंगे। पहले हमने एक लाइन निकाली, इसे कहते हैं गाइडलाइन। तो जैसे कि हमने एक और निकाली, नीचे भी रख लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि इक्वल में हमें पता लगता रहे कि हम काट रहे हैं। अगर हम इसको क्रॉप करेंगे आगे, तो हमारे को कोई दिक्कत ना आए, बराबर मतलब कि स्ट्रेट में कटे। ठीक है ना, फोटो भी एकदम स्ट्रेट होती है इनकी। अगर आप कोई भी लेते हो स्कैनर, काफ़ी बंदे हैं जो स्कैनर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप इस्तेमाल मत करना, क्योंकि किसी किसी के पास तो स्कैनर भी नहीं होता है, तो वो परफेक्ट बना भी नहीं पाता है। तो हमने एक रेक्टेंगल, पहले हमने ये सारी गाइडलाइंस बना ली है, इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है, जैसे हमने येलो की लाइन ले लेता हूँ, ताकि इजी रहता है, दिखे, शो हो ये आपको। तो ये हमारे ये इधर आ रहा है, थोड़ा सा मैं एच टू एच बनाऊंगा, ताकि प्रॉपर हमारा कट होए, कस्टमर को भी हमारे को परफेक्ट लगे, कोई दिक्कत ना आए। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी रख सकते हो, आपको जितना साइज चाहिए अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। तो हमने, जैसे कि मैंने इतना ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद शेप टूल पे गया, शेप टूल से हमारा एजिस कर्व हो गए, ठीक है। हम हालांकि हम डिज़ाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, अगर आपको वीडियो में पसंद समझ नहीं आता, काफ़ी बंदे हैं जो समझ नहीं पाते, ठीक है ना, तो हम डिज़ाइन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं नॉर्मल कॉस्ट पे, नॉर्मल सर्विस होती है, ऑनलाइन होती है, ठीक है ना, और फोन पे बात चलती है, और टीम व्यूअर से हम, या फिर एनीडेक्स होता है जो हम शेयर, मतलब कि स्क्रीन शेयर कर लेते हैं,
उनसे हम समझाते रहते हैं, हर पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करके हम बताते रहते हैं। यही नहीं, जो लेज़र मशीन से बनने वाले डिज़ाइंस हो गए या टेम्पलेट्स हो गए, हम वो हर चीज़ पॉइंट की ट्रेनिंग देते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने शेप टूल से हमने कर लिया, अब इसके बाद आपके मर्जी है आपको सर्कल बनाना है या नहीं बनाना। मैं तो वैसे ज़्यादातर नहीं बनाता, क्योंकि क्या होता है ना कि डस्ट चली जाती है, इसलिए कैमरा थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला टाइप दिखाने लग जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। आप लोगों के लिए एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना, इस टाइप का। चलो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ एक बार, इसको मैं फिर कर दूंगा, जोड़ लिया। अब मैं इसको कलर करता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पूरी आपको चारों तरफ से देख सकते हो, कैमरा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी, नीचे से भी कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एरिया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ये गाइडलाइंस क्यों बनाई थी, वो आप देखना, ध्यान से देखना। ये हमने क्रॉप करना था, वापस से देखो, क्रॉप करना था। क्रॉप मैंने सिलेक्ट किया इमेज को, ये मैंने इसी के ऊपर रख दिया, ठीक है। थोड़ा जूम आउट किया ताकि हमारा क्लियर से लग सके, फिर वो बाद में एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, इसलिए एक ही बारी में आप रहता है। अब जैसे कि देखो, अब मैंने जूम इन किया तो ये लाइन मैंने यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया तो मैं इसको अब यहाँ पे कर दूंगा इस टाइप से। अब मैं यहाँ पे एक बार जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बटन भी है स्विच के लिए, तो थोड़ा सा लाइट के लिए मैंने जगह छोड़ रखी थी। वो ऑटोमेटिक आपको मैंने पहले ही एरिया सिलेक्ट कर लिया था कि जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही कर रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने कर लिया। अब मैं डबल क्लिक करते ही साइड के मतलब कि वैनिश हो गए, गायब हो गए। तो जैसे कि हमारा ये आ गया खाली मॉडल, अब इसको हम बना लेते हैं। अब मेन आती है साइज़ की बारी, अब साइज़ कैसे डालेंगे, ठीक है ना। काफ़ी बंदे हैं जो स्केल से नापते हैं, मोबाइल को स्क्रीन नापते हैं, वो दिक्कत में आ जाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, साइज़ आपको यहाँ पे दे रखा है। स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो आपको बॉडी साइज लेना होगा, बॉडी में जाओगे तो डायमेंशन साइज दे रखा होगा आपको, एमएम में दे रखा है, ये आपको दिखा रहा है, इंचेस में भी दे रखा है, 6.27 और 2.98, ठीक है। ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी विड्थ हो गई। 6 पॉइंट, जैसे कि हम 1.159.2 ले रहे हैं। फिर मैं वापस से एक बार गया तो इसकी मैंने विड्थ, जो हाइट है मैंने ये डाल दी, और विड्थ मैंने 75.8 जो कॉपी करी, और यहाँ पे मैंने ये डाल दी। तो सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी पीछे वाला पेज हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया पेज, हमारा कस्टम है। तो मैं A4 वापस से कर लेता हूँ एक बार, तो हमारा ये हो चुका है, ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट फाइल, कट फाइल में कैसे लेके जाऊंगा, तो वो आपको मैंने बता देता हूँ वापस से। काफ़ी बंदों को दिक्कत में आते हैं, कट फाइल हमेशा PLT में जाएगी, और यहाँ पे हमेशा, जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर में काट रहे हो या फिर कोरल लेज़र में काट रहे हो, कोरल लेज़र को आपका इजी है, यहाँ पे आपके टूल्स ओपन हो जाते हैं, तो टूल्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो इसको उल्टा सीधा कुछ नहीं करना, आपको सीधा यहाँ पे दे देना है, और आउटपुट की स्पीड और पावर अपने हिसाब से एडजस्ट करके काट लेना है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि हमारे जैसे चाइनीज सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो हमें उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सीधी सेव होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे उल्टा किया है, अभी देखना, तो हमारा कौन सा था, नथिंग फोन वन था ना, तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे इसको, 2 सेकेंड, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया है, ओके कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना सॉफ्टवेयर ओपन करके दिखाऊंगा आपको, ये मैंने ओपन कर लेता हूँ, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, हर पॉइंट एकदम क्लियर होएगा। आप पूरी वीडियो देखो, कोई भी दोस्त इस वीडियो को स्किप मत करना, बस स्किप करोगे तो आप हर एक पॉइंट भूल जाओगे, ठीक है ना, फिर आप अगली वीडियो देखोगे। इसीलिए हम एक, हमारा चलता है जो लेज़र
जो सॉफ्टवेयर हो गए उसकी ट्रेनिंग भी चलती है, जो मशीन के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती है, बैचेस हमेशा टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, आते रहते हैं, डिज़ाइंस की ट्रेनिंग चलती रहती है, बैचेस निकलते रहते हैं। कहीं आपको दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके बताओ कहीं दिक्कत आपको। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। चलिए हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया, अब इंपोर्ट पे जाते हैं। यहाँ हमारा आ गया इंपोर्ट, तो नथिंग फोन 1 PLT, तो यहाँ पे आप देखो सीधी आ रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नथिंग फोन इसलिए लिया था क्योंकि नथिंग फोन इनके पास भी है, दे रखा है, एक बार साइज़ नाप के देख लेना। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा क्योंकि मैंने एकदम एक्यूरेट लिया है। ये देखो इन्होंने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है, मैंने ये ऊपर का देखा नहीं था, कोई बात नहीं। ये इनका तो काफ़ी ही बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपका, ये जो मैंने बनाया है ना वो आपका परफेक्ट होगा 100%, ठीक है ना। क्योंकि ये जो होते हैं इनके कर्व कर्व वाले भी होते हैं और वो सारे मिक्स होते हैं इनके। अगर मैं एक बार देखूं और कोई है तो मैं इसी का बैग भी बना के दिखा दूंगा कैसे बनता है, ठीक है ना। सभी इन्होंने बैग अलग अलग भी बना रखे हैं, हाफ बैग, फुल बैग, तो मैं आपको बना के दिखा दूंगा अभी। लेकिन क्या होता है ना, ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ना इनके अलग अलग डिज़ाइन दे रखे हैं, हमारा अलग है, ठीक है। ये थोड़ा साइज़ का फ़र्क आ रहा है लेकिन हमारा, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ हमारा एकदम करेक्ट होगा। क्योंकि आपने जो इस्तेमाल करता है ये सॉफ्टवेयर, उनको ये पता होगा कि इनके साइज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। जब भी हम अपने डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं जो बना के रखते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हमने काफ़ी सारे बना रखे हैं जो टेस्टेड टेस्टेड हैं और 100% करेक्ट है। आपको मैं दिखा देता हूँ, तभी आपको मैंने देख, ये सारे देख रहे हो आप, ये 100% ये मैंने अप्लाई कर रखे हैं और ये सारे करेक्ट हैं और ये सारे मैंने कोरल ड्रॉ में ही बनाए हैं, ठीक है ना। ये सारे PLT फाइल्स हैं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है ना। चलिए तो मैं आगे आपको बैग का बता देता हूँ, वापस से एक बार देख लो कि मैंने क्या क्या किया था प्रोसीजर, जिसने अभी मिस कर दिया है वैसे ही हम वैसे ही करेंगे सेम, जिसने भी प्रोसीजर मिस कर दिया था वो वापस एक बार देख लेना। हम बैग का वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम वापस गए पिक्चर्स में गए, कॉपी किया, तो टेम्पलेट आप खुद ही देख रहे होगे कि ये अलग अलग है सर्कल का, ठीक है ना। टेम्पलेट ही देख लो आपका, ये जो कैमरे का है उन्होंने दे रखा था फुल में, देखो जैसे कि कैसे कह रहा था मैं, ये देखो ऐसे दे रखा है। लेकिन हमारा आप देखना कैसे बनाएंगे, हमें परफेक्ट पता होगा कि हमें एज टू एज कहाँ पे लेना है। चलिए हम कॉपी कर लेते हैं, कोरल ड्रॉ में आ जाते हैं, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम ये बनाएंगे सेम प्रोसीजर, लाइन निकाली पहले हमने, लाइन एज टू एज पहले हमने वो अटैच कर दी, सेम हम ये भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ से भी हमने लाइन निकाली, जो ये काफ़ी चीज़ें ना बंदों को चाहिए थी। जब ये मैं वीडियो थोड़ा सा रुक के निकाल रहा था क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जो इसमें डिफ़िकल्टी में आ रहे हैं, काफ़ी बंदों को डिफ़िकल्ट हो रही है, किसी के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप अपना खुद ही बना के डाल सकते हो, अपना काट सकते हो। जिसके पास आपके पास जैसे कि मान के चलिए सॉफ्टवेयर नहीं है, कोरल लेज़र इस्तेमाल कर रहे हो, चाइनीज़ मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, किसी के पास सॉफ्टवेयर है तो
ऊपर नीचे है, साइज अप डाउन है, तो आप अपना खुद का बनाओ तो सही रहता है, आपको पता रहता है कि हमारा क्या चीज़ है। जैसे जब भी हम अपना ही तैयार करते हैं, स्किन हो गई, ठीक है ना, वो सब चीज़ हम अपनी तैयार करते हैं, जैसे कि ब्लैक है, थोड़ा सा टेम्पलेट, मैं टेम्पर्ड बना रहा हूँ खाली, स्किन नहीं बना रहा। स्किन से क्या होगा, स्किन के लिए तो आपको गैप नहीं छोड़ना, ठीक है ना, स्किन के लिए तो बिल्कुल गैप नहीं छोड़ना होता। टेम्पर्ड बना रहा हूँ तो अप्लाई ढंग से होना चाहिए, कहीं ऊपर नीचे, आपको पता रहता है कि हम, अभी मेरे को पता नहीं है कि फ़ोन ये कैसा दिखता है, ठीक है ना, साइड में मैं, मेरे पास है नहीं जब भी मैंने ऐसा बनाया। अगर आपके पास होगा, जब भी अगर ये आपको पता नहीं है कि कर्व है या फिर राउंड एजेस हैं या फिर आपके कैसा है, जैसे कि ये साइड से होते हैं ना जो नीचे कर्व के होते हैं, एलईडी स्क्रीन्स होती है जो कर्व स्क्रीन्स होती हैं, तो काफ़ी मुड़ी रहती है, तो मेरे को पता नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ही रखा है, और इसमें भी मैं कम ही रख रहा हूँ। टेम्पर्ड आपका सही बनेगा, जैसे कि हमने ये परफेक्ट बना लिया, ठीक है ना, कलर करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट बन गया है। अब इसके बाद येलो लाइन कर देते हैं, थोड़ी सी विड्थ अब मोटी कर दूंगा, फिर बाद में मैं पतली कर लूँगा ताकि आपको दिख जाए। अब मेरे को मेन मेन देखना है, जैसे कि अब ये हो गया, ठीक है, मेन मेन मेरे को ये देखना है, मेन मेन देखना है, जैसे कि ये चीज हो गया, काफी बंदे हैं जो साइज साइज लेते हैं अपने, आपके पास मोबाइल होता है तो वो उससे साइज लेते हैं डिस्प्ले का, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास कोई वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो आप कैसे बना सकते हो, काफ़ी बंदों को ये पूछना था। स्कैन करते हैं काफ़ी बंदे, अलग अलग तरीके से करते हैं। अब ये जैसे कि मैंने कर लिया, ये चीज़ हो गया, और हमारा ये परफेक्ट ही निकलता है हमेशा, हमने जब भी ट्राई किया है, हमने जब भी कितने भी बनाए हैं वो हमारे परफेक्ट ही निकले हैं। तो लाइट के लिए तो है नहीं कुछ, जरूरत नहीं है ये जो है, अगर हम देखना चाहें वापस से एक बार फोटोज़ भी देख सकते हैं, फोटोज़ में भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। वैसे एक ऊपर ही पूरा ग्लास डला होता है इसमें, तो जैसे कि ये चीज़ हो गया, कंबाइन कर दिया, और स्क्रीन साइज़ अब मैं छोटा कर लेता हूँ, कितना डाल लिया, 1 mm, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम हेयर लाइन रख लेते हैं ओनली, हेयर लाइन भी बहुत ही पतली हो गई, दिख ही नहीं रही, तो 1 mm ठीक है, 1 mm ठीक है, ठीक है ना, नीचे से भी आपका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमारा सेम प्रोसीजर, क्रॉप करेंगे, ठीक यहाँ पे रख लिया, ये कर लिया मैंने यहाँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एडजस्ट, मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी बंदों को बताई है, जो सिखाया है काफ़ी बंदों को सिखाया है, कुछ भी सिखाया है वो मैंने इजी तरीके से सिखाया है, क्योंकि काफ़ी बंदे हैं जो कोरल ड्रॉ चलाना नहीं जानते, उनको सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा, कोरल ड्रॉ अगर हम सिखाने भी बैठे तो, हम जो चीज़ हमें बतानी होती है वो हम बिल्कुल आसान तरीके से बता दे सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हम सिखाते हैं वो आसान इजी वे में सिखाते हैं। चलिए तो जैसे कि हमारा ये हो गया, ठीक है ना, हमने क्रॉप कर लिया, अब इसका मेन साइज साइज डालेंगे, इसमें स्पेसिफिकेशन में आ गए, स्पेसिफिकेशन में क्लिक क्लिक किया,
और यहाँ पे हमने 159.2 कॉपी कर लिया और हाइट में हमने डाल दिया। अब 75.8 कॉपी किया यहाँ डाल दिया आ गया। 0.5 डाल लेते हैं पहले जैसा ही हमारा था, अब हमने कर लिया है। ये मैंने उल्टा सेव भी करके रखा है, ये बैक में डाल लेते हैं, पहले से ही हमने सेव कर रखा था। वन ही बैक टेम्पर, ठीक है ना। ऐसे आप बना बना के सेव कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उल्टा किया तो आपका यहाँ पे सीधा आएगा। अब जैसे कि देखें, इन्होंने स्किन ही बना रखी है, टेम्पर्ड ग्लास तो है ही नहीं, टेम्पर्ड ग्लास हाफ बैक का स्किन बना रखी है, ठीक है ना। अब जैसे कि नथिंग पॉन वन बैक टेम्पर्ड ग्लास, ये जैसे कि ये आ गया हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट, ठीक है ना। इसको ये स्किन बना रखी है, जब ही इन्होंने ये लाइट लाइटिंग के लिए जगह छोड़ रखी है, ठीक है। अगर देखोगे मैच करो तो हमने बिल्कुल एकदम करेक्ट एंगल है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे ही तैयार करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अपना कोई भी मोबाइल का जो न्यू मॉडल टेम्पलेट होता है वो आप इजीली बना सकते हो। कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो ऐसे ही आप कैमरा जो लेंस के होते हैं आप वैसे ही बना सकते हो। आप ट्राई करोगे तो आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। आप चाहे, मैं कह रहा हूँ मान के चलिए, अगर आप खुद ही बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि इस जो सॉफ्टवेयर में होते हैं काफ़ी ही अप डाउन होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, कुछ होते हैं सीधे भी होते हैं, लेकिन जो अधिकतम जो होते हैं वो छोटे ही बड़े होते हैं, छोटे बड़े होते हैं, साइज छोटा बड़ा होता है। तो काफ़ी बंदों को जो मशीन चला रहे हैं, आपको पता होगा जब भी मैंने ये वीडियो निकाली है, उन्हीं लोगों के लिए और ख़ासकर उन्हीं उन लोगों के लिए भी जो ये सॉफ्टवेयर जिसके पास नहीं है, जो चाइनीज़ मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्सपायरी जैसे कि एक्सपायर हो जाता है तो वो कैसे इस्तेमाल करें, वो भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसकी। जैसे कि ये एक्सपायर हो गया तो उसका मशीन कैसे इस्तेमाल करें तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे इस वीडियो में ही, मतलब कि इस चैनल पे ही। तो जिसने भी यार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।